तो देखिए हमने क्या बनाई है, हमने चुई पिठा बनाया है। तो ये चुई पिठा कैसे बनाते हैं, तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। तो सबसे पहले एक पैन में हम एक गिलास पानी ले लेंगे। देखिए पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस हिसाब से थोड़ा पानी ज़्यादा बना के रखेंगे। मैं एक टीस्पून नमक डालूंगी और अच्छे से पानी में बॉयल आने दूंगी। तो देखिए पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, इसे और एक मिनट हम अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो हम थोड़ा सा पानी उतार के रख देंगे क्योंकि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज़ करेंगे। बस तो अभी गैस को थोड़ा लो कर देंगे और ये एक कटोरी ये राइस फ्लोर है, चावल का आटा, इसे इस तरह से डालेंगे धीरे धीरे से और इस तरह से हम मिक्स करेंगे। गरम पानी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो इसे इस तरह से हम लगातार कम से कम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चलाते रहेंगे। गैस को अभी हम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए इसे इस तरह से स्टीम देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे यहाँ से पैन से निकाल देंगे। तो देखिए मैंने एक टॉवल को गीला कर लिया है, अब इसमें मैं आटा बना के रखा था चावल का, तो उसे इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे और ऐसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। हमें देखिए थोड़ा गरम गरम ही गूंदना है ताकि आटा सॉफ्ट लगे, और तो आटा टाइट हो सकता है इसलिए हमें थोड़ा सा गरम गरम में ही इसे गूंदना होगा। तो हमारा डो अभी रेडी है, जो गीला कपड़ा है इसी से ही हम इसे ढक देंगे। तो चलिए हम चुई पिठा बनाना अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने कटोरी में चावल का आटा ले लिया है, ये जो हमने रखा था डो, ये डो को हम ढक के रखेंगे। बस इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके डो लेंगे और वापस इसे इस तरह से ढक के रखेंगे ताकि ये ऊपर का जो मतलब परत है ये ड्राई ना हो जाए, इस जिसका खास ध्यान रखिए। तो इसे थोड़ा गरम गरम ही बनाना है, ज़्यादा गरम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा गुनगुना है। तो थोड़ा सा इसमें आटा लगा लेंगे और इस तरह से हम रोल करेंगे। अब बनाते समय थोड़ा सा आटा लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाया जाता है। अगर आपको इस तरह से बनाना नहीं आता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए उसे, एक बार पीछे एक बार आगे, एक बार पीछे एक बार आगे। तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर चुई तैयार हो गई है, ये देखिए। अब मुझे हैबिट है बनाने की तो मैं फटाफट ही इस तरह से कर लेती हूँ। तो आपको अगर नहीं आता है तो इसी तरह से कीजिए, टुकड़ों में काटिए इसे फिर पीछे आगे। तो चलिए फ्रेंड ये देखिए मेरे सब चुई रेडी हो गए हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा, देखिए एक जैसा ही सभी चुई दिख रही है। तो ये जितना दिखने में खूबसूरत है खाने में भी उतना डिलीशियस और उतना ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब भी मैं कोई रेसिपीज बनाने बैठ जाती हूँ तो मेरा कोको यूँ ही मेरे पीछे बैठ जाता है और मुझे देखता है कि मम्मा कर क्या रही है। ये देखिए बड़े प्यार से बैठता है और मुझे देखता रहता है। कोको ओले मेरे प्याला बच्चा, सबको हेलो बोल दो बाबू, हेलो हेलो बोल दो। तो फ्रेंड्स कोको का काम ही यही है क्योंकि दीदी और भैया तो स्कूल गए हैं और बाबू को तो कुछ काम है नहीं, ना पढ़ाई का टेंशन ना कोई काम का टेंशन, बस खाए पिए सारा दिन मस्ती, मेरा बच्चा सारा दिन मस्ती। तो चलिए फ्रेंड हम अभी किचन में चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पतीले में दूध को रखा है, मैंने ऑलरेडी से गर्म कर लिया था, अब उसी पतीले में बनाएंगे। ये कम से कम 1 लीटर दूध है। तो अभी मैं इसमें
ये देखिए ये क्या है, ये है पाटाली, यानी ये गुड़ है, ये खजूर का गुड़ है। तो मैं इसमें खजूर का गुड़ डाल दूँगी थोड़ा, और उसके साथ में ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लगा है, ये है काजू, किशमिश और बादाम, तो हम इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने थोड़ी सी कलर अच्छा आए, इसका स्वाद पूरा बंगाली वाला लगे, इसलिए मैंने खजूर का गुड़ यूज़ किया है। आप चाहे तो आप आग का भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं खजूर का गुड़ मुझे मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर पे बंगाली कैंप है महाराष्ट्र में, तो मुझे खजूर का गुड़ इजीली मिल जाता है। साल में मैं 4-5 किलो लेके रख देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बंगाली रेसिपी बनाती हूँ उस तरह की ट्रेडिशनल रेसिपी, तो उसमें मैं गुड़ का यूज़ जरूर करती हूँ, ताकि बंगाल का महक और फ्लेवर इसमें आए। तो ये कोकोनट है जो मैंने किसके अच्छे से इसे रख दिया था, आप चाहे तो ड्राई कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कम से कम मैंने आधी कटोरी इसमें डाली है। तो देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मीठे का यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीठा ना ज़्यादा ना कम अच्छा नहीं लगता, तो उसके हिसाब से आप बैलेंस बनाइए, मीडियम ही मीठा रखिए। तो हम शक्कर को डाल देते हैं और अच्छे से अब इसे हम इस तरह से मेल्ट करते रहेंगे। तो देखिए अभी उबालना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो इलायची का बीजा मैंने निकाल के रखा था, उसी के ऊपर के कवर को भी इसमें डाल देंगे, इससे एक बढ़िया सी महक आती है। और देखिए मैंने इलायची को एकदम पाउडर नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है, मुँह के अंदर आता है ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए इसे ऐसे ही रखेंगे। इसे थोड़ी देर हम और पका लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने जो तेजपत्ता डाला है उसकी वजह से देखिए इसका फ्लेवर इतना बढ़िया आता है, इतना टेस्टी होता है ये, कि आप एक बार अगर खाएंगे ना तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे आप। मैं जो डाल रही हूँ प्लीज़ किसी चीज़ को भी स्किप मत कीजिए, और इस तरह से लगातार दूध को चलाते रहेंगे। तो देखिए बढ़िया सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इन चूहों को इसमें डाल देंगे ये इस तरह से। अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ नहीं करना है हमें, बस सॉफ्टली इसे हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करना है, और इसे बस कम से कम हम 4-5 मिनट के लिए ही इसे पकने देंगे। क्या महक आ रही, ऐसा लग रहा है कि मैं कोलकाता गई और ठंड के मौसम में मैं अभी घर में चूई पिठा बना रही हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में रस मिल जाता है, तो विलेज के लोग रस से ही बनाते हैं ज़्यादातर। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया कलर आ गया है, कितना बढ़िया टेक्चर है। तो बस हमारी चूई पिठा अभी रेडी हो गई है करीब करीब, अब बस एक मिनट ही रह गया, उसके बाद में हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसमें जो हमने इलायची का पाउडर बना के रखा था उसी को अब इसमें डाल लेंगे, और बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हमारी चूई खीर रेडी है। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडी होने देते हैं। चूई पिठा की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेन ये हमारी बंगाली की एक ट्रेडिशनल और एक पारंपरिक रेसिपी है, खास करके विलेज के लोग ज़्यादा बनाते हैं इसे। अगर घर में मेहमान आते हैं तो उनका अपायन करने के लिए कुछ डिशेस बनाए जाते हैं, उसी में से एक डिश है ये। तो हम कभी अपने परंपरा को नहीं भूलते हैं, ये बनाना हमारे में बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके नए साल जैसे बांग्ला नववर्ष की शुरुआत होती है उसमें भी बनाया जाता है, ठंड के मौसम में भी बनाया जाता है, क्योंकि और ठंड के मौसम में वो रस से बनाया जाता है, खजूर का जो रस निकलता है खजूर के पेड़ से उसी से बनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने गुड़ का भी यूज़ किया था, खजूर के गुड़ का, ताकि मुझे वो बंगाली फ्लेवर ज़रूर मिले। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। तो मिलती है फ्रेंड्स ऐसे ही एक यूनिक ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ में।